क्या नाम है तुम्हें कैसी का? वो बैंडेज निकलती है उसको काट। किसकी बैंडेज? बैट की। कोई अब खेलने नहीं जाना, मेरे साथ काम करवाओ आज। आज मेरा अच्छा उसको तो काट ही दूंगा। नहीं नहीं मेरे मैं किसी को देने खेलने पर वो खराब हो जाएगा। नहीं किसी को देने की भी जरूरत नहीं है, चलो काम करवाओ। नहीं दही बड़े बनाओ मेरे साथ। अच्छा अच्छा जाओ दही वही ला कर दो जल्दी से। चने उबल रहे हैं और मैं बनाने जा रही हूँ आज माँस की दाल के दही बड़े। तो माँस की दाल मैंने पीस के रखी थी, ये रही, इसमें मिलाएंगे अब हम। तो मैंने इसमें सामान डाल दिया, इसमें थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन का। आज कुछ हेल्प कर देंगे आप मेरी? आज इतवार का दिन है, आराम का दिन है, छुट्टी का दिन है, समझे ना। आज हम आराम करेंगे और सिर्फ रोजा खोलेंगे अच्छे तरीके से। नहीं तो ये इतवार का दिन हमारे लिए नहीं होता। नहीं अच्छा आप हेल्प करेंगे? क्या क्या बोला क्या बोला? चल आ जाओ, हाँ चलो जूस बनाओ। बना लिया बोल दिया ना, तो उसके बाद और भी बहुत सारे काम है। इसको बोल रहे पीछे जो काली बात है। ये दही बड़े जो है ना माश की डाल के निकाल के पानी में डाले जाते हैं। अच्छा ये निकाल के इसको पानी में ऐसे डाल देते हैं, ये अच्छी तरीके से पानी सूख कर ले। ये बन रहे हैं और आलू बन रहे हैं और ये बच्चे किसने पढ़ा दे तुम्हारे चीज़ क्या किसने पढ़ी? क्योंकि बच्चों को रोजा रखना है लेकिन रोजे के साथ साथ हमने नमाज भी पढ़नी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मेरी एक नई शुरुआत के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आज है हमारा चौथा रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह, और हो चुकी है रोज़े की तैयारी। किसी वक्त भी अजान की आवाज़ आएगी और हम रोज़ा खोलेंगे, रोज़ा इफ्तार करेंगे। इब्राहिम आपका कौन सा रोज़ा है आज? दूसरा। शुरू के दो रोज़े क्यों नहीं रखे? एक में सहरी में नहीं उठाया और दूसरे में गलती से खा लिया। और जी आज की अफ्तारी में शामिल है काले चने, माछ की दाल के दही बड़े और पालक के पकौड़े, कचौरियाँ, आलू के पकौड़े, कचौरियाँ, पापड़, और ये क्या है? ये है मीठे दही बड़े। आज हमने जो है ना दही बल्ले, दही बल्ले। अजान हो रही है? अभी नहीं हुई अजान। खजूरे का है, खजूर वो रखी हुई। चले भाई अब थोड़ा सा दुआ कर लेते हैं हम और फिर आपको मिलते हैं अफ्तार के बाद। नमाज ही पढ़ी तुमने अभी तक? तीन है जाए नमाज। आज हम लोग काम कर रहे हैं, नयाल अख्तर को भी दे दिया है कि कपड़े तय करो। सारे कपड़े बाहर निकले पड़े हुए थे। इब्राहिम देखें, हफ्सा क्या हुआ, क्या हो गया, खजाना दरियाफ्त हो गया क्या तुम्हारा? है नोट तो दिख रहे हैं? क्या दिख गए? वो थे अरे बुकराम होगा। खुजू देखो इब्राहिम, ये तो बहुत पुरानी जैकेट है, इसमें कहाँ से पैसे आ गए तुम्हारे? कितने है? ये नानू मम्मी ने ईद में दिया था, ये ईदी के पैसे डाले होंगे तुमने, छुपाए होंगे मुझसे। हफ्ता तुम्हारे नहीं निकले कुछ भी, ये वैसे भी ये तो सफान की वो थी, सफान की बास्केट आई है। थी तो मेरी। हाँ ये सारा प्रॉफिट मेरा है। ये सफान का बास्केट थी। कितने निकले इधर दिखाओ ना, वीडियो में दिखाओ। 110 मेरे हो गए 30। अरे वाह भाई अमीर हो गया। मेरी बात सुनो, मेरी बास्केट थी 50-50 करते। मैंने ढूंढना है वरना मिल जाएगी नहीं। ये बास्केट थी तो सफान की वैसे ही। अब तुम तो
तुम दुआ करो सफान, अब तुम दुआ करो, कपड़े तुम भी तय कर रहे हो, कुछ ना कुछ तुम्हारे भी निकला है। मैं खर्च कर देता। तुम बाबा के कपड़े तय कर दो। हाँ बाबा के कपड़े देना, मैं तय कर देता। सफान मेरा कमीशन मुझे क्या खिलाएगा? क्या इब्राहिम बदतमीज। तो दोस्तों देखे जैसा कि आपने देखा, देखो बच्चों इसीलिए अपनी मम्मा की हेल्प किया करो, पुराने कपड़ों में पैसे निकल आते। देखो इब्राहिम के पैसे कैसे निकल कर आए। हाँ टिक्का चिप्स ले आते, टिक्का फ्राइज ले आते, सब खा लेंगे। नहीं हम तो नहीं खा रहे कुछ, सब इब्राहिम का। अरे एक वो मैंने बनाया था हफ्सा, वो स्कूल से जो मैं बना के लेकर आई थी वो दिखाओ मेरे व्यूअर्स को। मैंने स्कूल में बच्चों को फर्स्ट रमजान में हमने ये गिफ्ट में दिया था, ये बना कर दिया था। देखो कैसा खराब कर दिया, जो सही है वो निकालो ना, ये इसमें पड़ा हुआ था ना इसलिए। हाँ लाओ दिखाओ, ये अपने लड़ाई शुरू। अरे बस हार दिया। लेकिन वो लेने गई थी, ये वहां पे बैठा हुआ था, इसने किया है, फाड़ दिया सारा। ये देखें ये बनाया था हमने इतनी मेहनत से, हमारे बेटे ने फाड़ दिया। गौर से देखें इस आदमी को, ये अच्छा लगा। ऐसे रखो ना, ये दिखाओ, ये देखे, ये मैंने दो तस्वीरें मिक्स करके लग बनवाया था और ये इस तरह से बनाया हमने। हैप्पी रमजान सब बच्चों को दिया था, और जो बच्चा है वो मेरी पार्टी में है, ये मैं पार्टी। थोड़ा सा काम रह गया ये हमारा, ये रह गए कपड़े, बाकी तो सारा आपके सामने कितना सारा किया और रख दिया। क्या कर रहे हो? वीडियो देख रहे हो। और नयाल अख्तर तैयारी कर रहे हैं सहरी की, आज बनाएंगे पालक कीमा। मैं पालक नहीं बना सकती क्योंकि इसकी खुशबू से जो है ना, जब ये पकता है तो मुझे उल्टी आती है, तो इसीलिए नयाल अख्तर बना रहे हैं। और अब मैं सोऊंगी, आटा मैंने गूंद दिया है, सहरी के लिए उठेंगे, अभी काम बहुत करना है। ये देखो ये हानिया को नहाने जाना है, तो कुकर में पानी रख रही है पागल गर्म करने के लिए, अभी बहुत काम है, सफाइयाँ शुरू हो जाएं तो हाल जो है ना सही नहीं रहता है। देखें अभी भी सब फैला हुआ है, अलमारी तो कुछ सही की है और यहाँ से कारपेट वारपेट उठाया तो अभी भी फैला हुआ है, एसी ख़राब हो गया है, ये खुला हुआ है। तो दोस्तों मुझे जाना है सुबह स्कूल और अब मैं जा रही हूँ सोने की तैयारी। मैं सो जाऊंगी, सोने की सिर्फ तैयारी नहीं है, मैं सो जाऊंगी। तो मिलते हैं फिर आपसे कल एक नए दिन एक नई शुरुआत के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।